क्लास 3 के बच्चों को आज उसके क्लास 3 के बच्चों को व्याकरण किताब के एक्सरसाइज 6 जिसको कि मैंने 6 तारीख को पढ़ा दिया था, एक दिन उसका रिवीजन भी कर दिया था, आज फिर मैं उसके एक्सरसाइज को बता रहा हूँ। वचन इसको मैंने पहले बता दिया था, वचन किसे कहते हैं, तो जिससे संख्या का पता चलता है उसको वचन कहते हैं। संख्या तो संख्या कई तरह के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्या और एक होता है अनिश्चित संख्या। तो जिसमें संख्या निश्चित हो, एक हो, उसको एक वचन कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक हो उसको बहुवचन कहते हैं। उसके बाद इसको एक वचन बहुवचन को आप बनाना पड़ता है, कैसे बनाते हैं उसको आप किताब से पढ़िए कि देखिए कैसे बनाते हैं। आपको उस दिन बताया गया था कि आदर सूचक शब्द एक वचन का होता है लेकिन उसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसके प्रश्नोत्तर को, एक्सरसाइज को। यहाँ पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है, तो अंडरलाइन मैंने कर दिया है। दूसरा प्रश्न है, वचन को बदलना है, इसको मैंने बना दिया है। अब आप इसको देखिए, इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, किताब में लिख लीजिएगा इसे मिला करके। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, रंगीन शब्द के वचन बदल कर, तो वचन को तो मैंने बदल दिया है। देखिए, बाज़ार से दवाई खरीद लाओ, तो दवाई शब्द है रेड कलर में लिखा हुआ, तो इसको बदलना है। तो दवाई एक वचन है, बहुवचन में क्या होगा, तो दवाइयाँ। तो बाज़ार से दवाइयाँ खरीद लाओ। उसके बाद कपड़े सूख गए, बहुवचन में है, इसका हो जाएगा कपड़ा सूख गया। इसी तरह से उसके बाद चौथा है, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, 1 सही है। पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए पुस्तक शब्द का बहुवचन टिक लगा हुआ है। अब इस तरह से आप इसको बनाएंगे, याद करेंगे, सारे बहुवचन शब्द, एक वचन शब्द, बहुवचन शब्द, इस सबको याद कीजिए।